ये एंगल निकालना है फाइंड आउट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है आपने पैरलर लाइन्स की लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ ठीक है किस तरीके से सॉल्व करेंगे ओके okay, चलो ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है अच्छा एज़ यू आर अवेयर ऑफ इट आई थिंक सो ठीक है आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है थीके? अगर ये दो पैरलर लाइन्स हैं और इस पैरल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काटती है तो ये जो एंगल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटीरियर एंगल्स और इनका सम हमेशा 180 होता है अगर ये एक्स है और ये वाई है सो एक्स प्लस वाई विल गिव यू 180 एटी डिग्री ठीक है दीज आर को इंटीरियर एंगल्स उसी तरीके से ये यहाँ पर 125 है और उसी तरीके से यहाँ पर ठीक है ये एंगल होगा इन दोनों का सम विल गोइंग तो टू बी वन ठीक है तो अगर वो 125 है तो इट विल गोइंग तो टू बिकम फिफ्टी डिग्री ठीक है इतना क्लियर है अच्छा ये एट्टी डिग्री है सो इट विल गोइंग टू बी एट्टी ये भी एट्टी डिग्री होगा वर्टिकली ऑपोजिट ओके और ये थर्टी डिग्री है तो ये कितना एंगल है ये भी थर्टी डिग्री है अगर अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करोगे मैं जरा इसको हाईलाइट कर लेता हूं आप लोगों के लिए, यू विल नाउ गोइंग टू फोकस ऑन दिस ट्राइंगल स्पेसिफिकली इस ट्राइंगल पे अगर आप फोकस करोगे विच इज नथिंग बट एफ सी बी इस ट्राइंगल को फोकस करोगे तो हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं और आपको एक एंगल निकालना है ठीक है तो इसको मैं अलग से ड्रॉ करके भी आपको दिखा सकता हूं ठीक है आई कैन ड्रॉ इट सेपरेटली एंड आई कैन शो यू ओके तो इस तरीके का ट्राइंगल है अब इस तरीके का ट्राइंगल है और ये जो ये तो एंगल है ये एक्स जो हमें फाइंड करना है ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है ठीक है और ये जो एंगल है दिस इज नथिंग बट 55 55 प्लस 30 सो दिस विल बी 85 क्लियर ओके okay? तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो ट्राइंगल मेरा ये बन चुका है अब एक्स निकालना तो बहुत इजी है सो एक्स प्लस 80 डिग्री प्लस 85 डिग्री विल गोइंग टू गिव मी 180 डिग्री ना

कोई दिक्कत परेशानी ओके okay.